करनाल के सीएम सिटी में रेलवे रोड पर कुछ दिनों पहले बनी नेकी की दीवार में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के एरिया में भगदड़ मच गई। हम आपको यहां बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस दीवार पर लाखों रुपए खर्च होने का मामला सामने आया था, परंतु अब अचानक इस नेकी की दीवार में आग लग गई। आग लगने से शहर के लोगों में असंतोष देखा जा रहा है। आने जाने वाले राहगीरों ने बताया कि यह नेकी की दीवार अभी कुछ दिन पहले बनी थी, परंतु इस पर लेंटर नहीं डाला गया था। उसके बावजूद भी इस पर लाखों रुपए खर्च होना बताया जा रहा था, परंतु अचानक आग लगकर सब कुछ खत्म होना संदेह के घेरे में माना जा रहा है। राहगीरों ने कहा कि नगर निगम इस तरह नेकी की दीवार पर पैसे खर्च कर रहा है, जो जनता की मेहनत की कमाई बर्बाद करने का ही कार्य है, जिससे शहर के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। फिलहाल आग लगने से नेकी की दीवार के अंदर जो लोग अपने कपड़े जरूरतमंद लोगों के लिए रख कर जाते थे, वह बुरी तरह से राख हो गए हैं। इससे लोगों में निगम प्रशासन के प्रति गहरा रोष देखा जा रहा है। में ना हो, अगर चालू हालत में हो तो सारी की सारी चीज़ों का पता लग जाएगा, उनके संज्ञान में आ जाएगी कि जिस शरारती तत्व ने ये तोड़ा है या जानबूझ कर ये हादसा हुआ है। कैसे भी है, ये सारी की सारी चीज़ सारी रिकॉर्डिंग आपकी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि प्रशासन जो भी, चाहे वो नगर निगम हो या स्मार्ट सिटी हो, यदि वो कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है तो ऐसा बनाए जो ड्यूरेबल हो और लॉन्ग लाइफ हो, जिसकी उनको मेंटेन भी करे। अक्सर देखने में आता है कि प्रशासन प्रोजेक्ट तो बना देता है लेकिन उनको मेंटेन किसी भी हालत में कर नहीं सकता। आप सभी लोग पत्रकार हैं, सारा दिन शहर में घूमते हैं, 15 प्रोजेक्ट तो मैं गिनवा सकता हूँ कि जिनको मतलब एक बार बना के और उनकी तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो सारे के सारे कुखाते में पड़े हुए हैं। थोड़े दिनों पहले इसका शेयर रूम का भी दरवाजा तोड़ दिया गया था। डेफिनेटली ये शीरो रूम के भी यहाँ पे दरवाजे तोड़ दिया गया था। शीरो रूम जब से बने, जब से ताले इन पर लटक रहे हैं। एक बैटरी वाला प्रोजेक्ट शुरू में ई रिक्शा के लिए बनाया गया था, वो बंद पड़ा है इनका। ई टॉयलेट्स इन्होंने बनाए थे, वो बंद कहीं ना कहीं जगह सरकार जनता का पैसा बर्बाद। डेफिनेटली बिल्कुल, खास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि करनाल प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि करनाल की जनता का या देश की जनता का पैसा यूं बर्बाद ना करें। सिर्फ क्या आपको ये नहीं लगता कि जो पहले यहाँ पर ये लाइट चोरी हुई थी और जो छत तोड़ी गई थी और जो इसके ऊपर लागत आ रही थी और ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि इसके अंदर घपला हुआ है, अधिकारियों ने घपला करा है, क्या उसकी कोई जांच चल रही थी या जांच चल रही थी तो उससे बचने के लिए क्या ऐसा संभव हो सकता है? डेफिनेटली ये मैं कह नहीं सकता कि उसी के मतलब एक्सटेंशन में ये ऐसी कोई चीज़ होगी। ये सारा सीसीटीवी कैमरा में आ जाएगा, ये एक जाँच का विषय है कि वो जानबूझ के ये हुआ है या किसी शरारती तत्व ने। मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ पे जैसे कपड़े पड़े होते हैं तो हो सकता है किसी ने कपड़ों में आग लगा दी हो, तो ये सारी चीजें एक जांच का विषय है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.